बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ईटीसी हेल्थ ब्यूटी टिप्स में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। 3-4 रोज़ से वीडियोस नहीं आ रही थी, नेट का कुछ इश्यूज था, कुछ हालात हमारे ख़राब थे, हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो बस यही दुआ करें कि बजाय इसकी कि एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय ये दुआ करें कि कोई ऐसा वज़ीर आज़म आए जो कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएँ। ठीक है जी, गरीबों की मदद हो, महंगाई जो है वो ख़त्म करें। तो बस ये तो आपस में लड़ते ही रहेंगे, लड़ते लड़ते ही रहेंगे और दूसरे ममालिक जो हैं वो उससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो अल्लाह इनको हदायत दे, हम यही कह सकते हैं। तो आज की वीडियो जो है, वीडियो का टॉपिक है हेल्थ के हवाले से डिप्रेशन, यानी कि हमारी हेल्थ पर बहुत असर करता है डिप्रेशन। आज मेरी बहनों के लिए वो वीडियो है जो शदीद डिप्रेशन का शिकार है, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी उन्हें, बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है जी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कमेंट्स में ज़रूर आमीन लिख लीजिएगा कि अल्लाह ऐसा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के लिए भेजे जो अमन पसंद हो, खून वाला हो, गरीबों की मदद करे, महंगाई को ख़त्म करे और लोगों के डिप्रेशन को भी ख़त्म करे। आमीन। ठीक है, कमेंट्स में लाजमी आमीन लिख दीजिएगा। तो अल्लाह ही है, बस अल्लाह से ही दुआ करते हैं कि अल्लाह ही बेहतर करे। तो वो मेरी बहनें जो शदीद घर में डिप्रेशन का शिकार हो चुकी हैं, उनके लिए आज मैं एक ज़बरदस्त सी चीज़ लेकर आई हूँ। आप वो चीज़ भी यूज़ करें और साथ साथ आप ये चीज़ यूज़ करें कि आप अवॉइड करें कि आप जैसे आपको लग रहा है कि आप किस चीज़ से डिप्रेशन हो रहा है, आप उस चीज़ से बचें, अपने आप को मसरूफ़ करें, अपना जहन बांट लें, किसी न किसी एक्टिविटी में आप हिस्सा लें। ठीक है जी, और अपने लिए स्पेशल टाइम निकालें, अपने आप को समझें, अपने आप को टाइम दें, अपने आप की अहमियत जानें। और अगर इस पर बहुत लंबी डिटेल से वीडियो बनाएं तो बहुत ही लंबी ये टॉपिक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। मैं बस आज आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी कि आप अगर शदीद डिप्रेशन का शिकार हैं तो एक चीज़ से आपका डिप्रेशन जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। ठीक है, डिप्रेशन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कोई घरेलू डिप्रेशन होता है, कोई जैसे क्या हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, कोई किसी बंदे को इस चीज़ का भी डिप्रेशन होगा, मतलब इसकी कैटेगरी जो है वो डिफरेंट 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 हैं। ठीक है, कुछ तो कंट्रोल में आ जाती हैं, कुछ कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेशन बेसिकली जो है इंसान को जो है वो दिमाग की तरह ख़त्म कर देता है और पागल बना देता है। ठीक है जी, अगर बर वक्त इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत ही मुश्किल जो है वो पेश आ सकती है। तो सिंपल सा आज मैं स्टार्टिंग का आपको बताऊँगी कि अगर आपको डिप्रेशन, आपको लगे कि आप डिप्रेशन में चले गए, आप सोचों में चले गए, आप हर वक्त सोचते हैं, आप उसके मतलब किस्म की डिप्रेशन जो है वो होती है, इसकी कैटेगरी में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपको फील हो रहा हो कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आप फौरन आप अतर का, खुशबू का यूज़ करें, इससे काफ़ी हद तक जो है वो डिप्रेशन कंट्रोल हो सकता है। कैमरों की स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा अबकरी वालों की रूहानी अतर, तो ये मैंने परचेज़ की है। मुझे इसका जो है एक कस्टमर पर फ़ायदा हुआ तो मैंने कहा चलें इसकी वीडियोस बना लेते हैं और आपके साथ जो है वो इसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये पोटली की सूरत में है, इस तरह की ये पोटली मिलती है अबकरी वालों। ठीक है जी, किसी भी आपको ले लें, लेकिन होनी अतर चाहिए, अरके गुलाब वाली जो अतर है वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अरके गुलाब वाली और कोई नहीं, तो ये आपने यूज़ करनी है। तो जैसे ही मैंने इसको, इस पोटली को जो मैंने ओपन किया, तो उसमें से बड़ी प्यारी सी स्मार्ट सी जो है वो खुशबू निकल कर नज़र आती है, जिसे रूहानी अतर कहा जाता है, जो कि रूह की ताजगी और मुख्तलिफ़ बीमारियों जैसे कि मेन बीमारी डिप्रेशन से जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बचाती है। ठीक है जी, ये है रूहानी अतर अरके गुलाब की, इसको परचेज़ करें, इतनी महंगी भी नहीं है, तकरीबन ये आपको मिल जाएगी तकरीबन 400 की या 500 की, बस इतनी ही महंगी होगी, ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है आपको कम चीज़ बताई जाए, कम बजट वाली चीज़ बताई जाए जिससे आप यूज़ कर सकें। तो जैसे ही मैंने इसको अबकरी वालों के अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ये पलट जो है वो इसके अंदर से बरामद होगा, जो बड़ा ही कारामद है, जिस पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त जो है वो खुशबू जो रहती थी, यानी कि आप तो खुद ही जैसे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जो हूँ उसकी ज़ात पर, वो तो एक खुद ही उनके वजूद ही खुशबूदार था, लेकिन वो अतर का बहुत यूज़ करते थे। अगर कोई शख्स आपको यानी कि तोहफ़ा देता तो वो अतर का तोहफ़ा होता है, यानी कि खुशबू का तोहफ़ा देता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़रूर कबूल फरमाते, यानी कि खुश होकर वो चीज़ लेते थे। ठीक है, तो दूसरा ये कि आप अपनी दाढ़ी पर अतर लगाते, ठीक है, उसके बाद अपने बदन पर लगाते, तो ये है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में अतर का यूज़ करते थे, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और सुन्नत भी है। ठीक है जी,
अतर लगाना, खुशबू लगाना और खुशबू लगाकर अपने रब के सामने खड़े होने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है जी, तो ये है कि अगर आपको डिप्रेशन हो चुका है तो आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। रूहानी अतर आपके दिमाग को फ्रेश करेगा, आपकी रूह को ताजगी देगा और सोचों से जो है वो आपका दिमाग जो है वो निकल आएगा। ठीक है, अतर सूंघना दिलो दिमाग को ताकत देता है, बेख्वाबी को दूर करता है, बेहोशी में सूंघाएं तो ज़्यादा फायदा है, दिमाग की कमजोरी दूर करता है, टेंशन डिप्रेशन और दिल के अमराज और भूलने की मर्ज में मुफीद है। बहुत से डेंगू के मरीज आए, इनको रूहानी गुसल करने की तरगीब थी और कहा कि रूहानी गुसल करके रूहानी अतर ज़रूर लगाया करें। और अतर लगाते वक्त ये तसव्वुर भी करें कि आपका ये मर्ज जो है वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि जादू टूट रहा है, सेहत खुशी की खुशबू मेरी तरफ बढ़ रही है। यानी कि अपने जहन में ये इमेजिन करें, यानी कि अपने जहन में ये सोचें। एक तालबिलम ने कहा कि मैं ऐसा क्या इस्तेमाल करूं जिससे मेरे दिमाग बेहतर हो, जो कुछ पढ़ूं याद हो जाए, मेरे इल्म में फ़ायदा हो, किताबों से दोस्ती हो। तो इसको भी रूहानी अतर दिया गया और कहा कि रूहानी अतर को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लो, यानी कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। और उसने ऐसे ही किया। तो ये कहने का मतलब ये कि अतर बहुत सी जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो रूहानी अतर जो है वो आप लें और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा। रूहानी अतर में इशारा है काफ़ी है, यानी कि रूहानी अतर का हदिया, अगर आप किसी को हदिया देना चाहें तो आप इसको रूहानी अतर का हदिया दे सकते हैं। अलरस के इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप अपने यूज़ करें और अपने डिप्रेशन को जो है वो काबू में ना करें, यानी कि अपने डिप्रेशन को जो है वो बिल्कुल रफ़ा कर दें, दूर कर दें, बता दें अपने आप से कि आपको डिप्रेशन नहीं है, और अपने जहन को जो है करें, अपने आप को कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा दें, ऐसी अपनी ज़िंदगी का माहौल बनाएं कि आपको सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो बेसिकली सोचने से शुरू होता है। जब हम अपनी सोचों को बहुत ज़्यादा कर लेते हैं ना तो वो हम पर हावी हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी सोचों से निकला करें, ना सोचा करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह के साथ तवक्कुल करें। वो बेहतरीन आपका जो है बेहतरीन हमदर्द है कि 70 माहों से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। तो आप अपनी ज़िंदगी को जो है उसके हवाले कर दें, अपनी ज़िंदगी के मामलों को, तो मेरे ख्याल से आप बेफिक्र रहेंगे। अपने आप को डिप्रेशन ना होने दें, खुश रहा करें। अच्छा, खुश रहने से भी डिप्रेशन जो है वो दूर रहता है। ठीक है, जब हम गमगीन होते हैं, उदास होते हैं, तो डिप्रेशन खुद ही आकर हम पे चिपक जाता है कि बस इस बंदे को लग जाए तो ये बंदा बड़ा उदास है। फिर वो क्या से क्या से क्या सोचना शुरू करता है। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी के मामलात हैं, किसी को क्या टेंशन है, किसी को क्या टेंशन है। बहरहाल कोई भी इंसान जो है किसी न किसी टेंशन से खाली नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी मामलात में वो फंसा हुआ है। अल्लाह सबकी जो है मुश्किलात आसान करे, अल्लाह सबको हदायत भी दे। और ये है कि बस ये कि अपने आप के ज़िंदगी के मामलात अपने रब पर छोड़ दें और अपनी नीयत को साफ़ रखें। मैं आपसे यही कहूँगी कि अपनी नीयत को साफ़ रखें तो आपके बाकी मामलात भी जो हैं वो अल्लाह ताला ज़रूर बेहतर करेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। रूहानी अतर को आप यूज़ करें, बकरी वालों के भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप रू अर्के गुलाब की कोई सी भी अतर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मकसद ये है आपको कहने का कि जिस बंदे को डिप्रेशन है वो खुशबू का इस्तेमाल करे, खास कर गुलाब वाली खुशबू का इस्तेमाल करें, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका डिप्रेशन जो है वो रफ़ा हो जाएगा, दूर हो जाएगा उससे, और बिल्कुल दूर होते होते बस ख़त्म ही हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अपने आप को यानी कि रोज़मर्रा की रूटीन में अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी एक्टिविटी शामिल करें जो आपको मसरूफ़ रखें, कि अपने आप जहन को मसरूफ़ रखें ताकि आप इन सोचों से निकल आएँ। और तीसरी बात ये कि अपने रब को याद करें, अपने रब का जिक्र करें, तो इससे डिप्रेशन दूर होगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, जो आपके हेल्थ के हवाले से थी या आपके डिप्रेशन के हवाले से थी। तो शायद ही कहीं किसी न किसी का डिप्रेशन कंट्रोल होते हैं मेरी वीडियो की वजह से। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये अच्छी सी बात पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी ब्यूटी के हवाले से। अल्लाह हाफिज़।